गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ नोटिस राइटिंग। ओके, इन आवर प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस्ड रिगार्डिंग हाउ टू राइट नोटिस, ओके, एंड द टिप्स ऑफ ड्राफ्टिंग नोटिस, क्लियर। एंड इवन वी स्टडीड how to write notice for events. Okay, in this video we will take another category of writing notice. One of them is notice for meeting. Okay, how would we write notice for meetings? Okay, and in this video, students, I will certainly make you know the points, the value points that you have to keep in your mind for drafting a notice. Okay, so students, always keep it in your mind that whenever you are to write any notice regarding any meeting, okay, you have to keep these points in your mind. First one is date and time, means the date of organizing that meeting should be mentioned clearly in your notice. Okay, venue means place where the meeting will be organized. ओके, एजेंडा एंड पर्पस, कि फॉर व्हाट पर्पस यू आर ऑर्गेनाइजिंग दैट मीटिंग. ओके, क्लियर. एंड दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग ऑफ सच नोटिसेस. ओके स्टूडेंट्स, एंड हु इज़ टू अटेंड द मीटिंग. ओके, मीटिंग में कौन कौन आएगा, किसको अटेंड करनी है, एंड कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस ऑफ द पर्सन हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग द मीटिंग, क्लियर. एंड देयर आफ्टर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, इफ एनी, अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देनी है, कोई डिटेल बतानी है या कुछ को रिक्वेस्ट वगैरह करनी है तो जरूर करिए. ओके, आई हैव ऑलरेडी रिटन अ स्टेटमेंट फॉर यू. ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड बुक डे, ओके, द स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ बुक फेयर. विकास और वर्षा, द सेक्रेटरी ऑफ द बुक क्लब, वॉन्ट्स टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द ऑफिस बियरर्स ऑफ the club to discuss arrangements for the fair. Write a notice in not more than 50 words. Students, you know, drafting a notice requires or demands your presence of mind. Okay, if you are quite good at drafting a notice or planning to write to draft such a notice, you should know how to पिक आउट द थिंग्स यू रिक्वायर फ्रॉम द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट में से कैसे जो चीज़ें आपको चाहिए वो कैसे निकालते हैं, अगर वो आपको पता चल जाती हैं तो यू कैन ईजिली गेट एंड राइट अ परफेक्ट नोटिस. ओके, सो हियर बड़ा आसान है. ओके, देखो हमें फ्रेज भी मिल रही है, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड बुक डे, इवेंट के वर्ल्ड बुक डे के ऊपर आपको एक बुक फेयर ऑर्गेनाइज करना है. ये अपनी इवेंट होगी, टू बी इम्पेंडिंग जो इवेंट है वो बुक फेयर ऑर्गेनाइज करना है, और इसी के लिए आपको क्या कॉल करनी है, कॉल करनी है मीटिंग ऑफ ऑफिस बियरर. ओके, ऑन विच ओकेजन, ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड बुक डे, क्लियर. अब आगे देखते हैं कि भी क्यों करनी है. टू डिस्कस, ये है पर्पज ऑफ द मीटिंग, एजेंडा ऑफ द मीटिंग, टू डिस्कस द अरेंजमेंट्स फॉर द फेयर. ओके, उस बुक फेयर के लिए क्या अरेंजमेंट आपकी होंगी, उसके लिए आपको मीटिंग करनी है. तो आई वुड टेक मोर देन half of the statement as the main body of the notice. Okay, see and check it out how I would use it. So first of all, we will write the name of the organization that is issuing this notice. So let us write Model Public School, okay, New Delhi. Okay, thereafter the word notice that is to be written in capital words and to be underlined. Okay, then the date February, okay, or you can write in abbreviation February 12th 2000 and cross. Okay, and then the caption meeting of, अब किसकी मीटिंग होनी है, मीटिंग ऑफ
बुक क्लब, ओके, और ओकेजन किस पे, बुक फेयर पर, बुक क्लब मेंबर्स लिख सकते हो, बुक क्लब, ओके, क्लियर? लेट अस राइट ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड बुक डे, इसकी डेट लिख दीजिए कब है, दैट इज मार्च 3, ओके 2000, ओके, यू कैन क्रॉस इट। द स्कूल हैज़ डिसाइडेड, एक लाइन इसी में, द स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ बुक फेयर, अ बुक फेयर, क्लियर? डेट यहाँ पे आएगी, किस दिन करेंगे, इस दिन करेंगे भाई, ओके। अब हुम हु इज टू अटेंड, अटेंड करना है ऑफिस बियरर को, तो ऑल ऑफिस बियरर्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड अ मीटिंग। अब बताना है आपको उसका वेन्यू, इन द कॉमन रूम, इन द कॉमन रूम और मीटिंग हॉल, ओके ऑन, अब देखो इस दिन तो है तो इससे पहले वाली डेट पर लिखते हैं, ऑन February 25, 2000, क्लियर? एट 10 AM, ओके, एंड व्हाट इज़ द व्हाट इज़ द एजेंडा, टू डिस्कस द अरेंजमेंट, ओके, टू डिस्कस दी अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग फॉर द फेयर, ओके, क्लियर इनफ, ओके। सो अब अपनी लास्ट लाइन, फॉर मोर डिटेल्स, ओके, कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड, ओके, एंड नाउ साइन विकास, ओके, एंड देन नेम ओके, एंड द डेजिग्नेशन सेक्रेटरी, एंड देन कंप्लीट द बॉक्स यूजिंग अ स्केल, ओके, लेट अस कंप्लीट इट, ओके, एंड दिस इज योर नोटिस फॉर मीटिंग, ओके, अंडरस्टूड? यू कैन हैव इवन अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और राइट इट इन योर फेयर नोटबुक। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट नोटिस। स्टूडेंट्स, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द स्टेटमेंट, आई एम गोइंग टू रीड दिस स्टेटमेंट फॉर यू, ओके, क्लियर? एंड एंड विल राइट द नोटिस हियर, ओके, सो लिसन टू द स्टेटमेंट केयरफुली प्लीज। यू आर प्रभा, ओके, सेक्रेटरी ऑफ जिम खाना क्लब, ओके, न्यू दिल्ली,
Write a notice in not more than 50 words, informing the members about a meeting to be held to discuss the increase of fees of club membership and the cost of revised menus of the 3 club restaurants. Okay, it is mandatory for all the members to attend the meeting. Okay, so this is the statement, and now I will write this notice for you. Okay, clear? So first of all, the name of institution will be written, that is Gymkhana Club, Delhi. Gymkhana Club, New Delhi. Okay, word notice. Okay, then date 18th March, okay, 2020, and now the caption. Discussion of new rates for club fees for club membership, yeah, for club fees. Clear? Okay, students. Now you can even underline the main heading, okay, and the notice word, and then the formal beginning. This is to inform all members about, all the member kar sakte ho aap, all members about the meeting to be held on Sunday, date 20th March, 2000, in course, at 11 AM in the green room. Okay, it is the venue where the meeting will be held. During this meeting, a discussion, on the increased club membership rates, as well as the new menus and prices at the newly रेनोवेटेड, जो अभी रीबिल्ड किया गया है ना, रेनोवेटेड रेस्टोरेंट ओके विल बी हेल्ड. ये डिस्कशन हो गई इन चीज़ के ऊपर. ओके, अ न्यू पॉलिसी of closing the swimming pool at
7 PM will be proposed to cut the extra cord, cut the extra cost of lights. Okay, clear? The meeting is mandatory. Okay. For all. For all the members. Clear? And last line, for any further queries, please contact the undersigned. Okay, and then write your name. Okay, Prabha. And who is Prabha? Prabha is secretary. Okay, and then complete the books. Clear? This is another notice for a meeting. Okay, students. Let us discuss the another kind of notice. Notice in this category that we have included is lost and found. Okay. So first of all, article lost or found, जो खोया है पाया उस article और नाम, डेट एंड टाइम, कब खोया, कितने टाइम पे लगभग खोया, वो बताना है. एंड देर आफ्टर प्लेस, अप्रोक्सीमेट मीन्स कहाँ वो खोया, उसके स्पेसिफिक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कि उसका जो पहचान है, और खोया है तो इस तरह की चीज़ है, पाया है तो अगले से पूछना है. कंटेंट्स, ओके, हुम टू कॉन्टेक्ट, किससे कॉन्टेक्ट करना है, एंड वैन एंड वेयर, और कब और कहाँ. क्लियर है? दीज थिंग्स विल बी इंक्लूडेड. स्टूडेंट्स, लेट मी रीड अनदर स्टेटमेंट फॉर यू. वाइल वॉकिंग इन अ पार्क इन योर नेबरहुड, यू फाउंड अ स्मॉल प्लास्टिक बैग कंटेनिंग सम डॉक्यूमेंट्स एंड सम कैश. राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स टू बी पुट अप ऑन द पार्क नोटिस बोर्ड, आस्किंग द ओनर टू आइडेंटिफाई एंड कलेक्ट इट फ्रॉम यू. ओके, यू आर अमित. ओके, एंड योर फोन नंबर इज गिवन. ओके, सो स्टूडेंट्स, हाउ विल यू राइट इट? आई हैव ऑलरेडी रिटन इट. ओके, जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द सोसाइटी, रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी, लाजपत नगर, बिकॉज इसी के पार्क में तो आपको मिला है, तो लिखेंगे नोटिस. ओके, देन डेट 21 अप्रैल 2020, प्लास्टिक बैग फाउंड, दिस इज़ योर टॉपिक. कंटेन, क्या बोलते हैं, कैप्शन. ओके, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स दैट स्मॉल प्लास्टिक बैग वॉज फाउंड. यहाँ पे पास्ट यूज़ किया, वाई? बिकॉज इट्स एन इवेंट रिलेटेड टू पास्ट, तो पास्ट रिलेटेड तो पास्ट ही यूज़ करेंगे. वॉज फाउंड ऑन ट्यूजडे, दैट इज 20 अप्रैल 2020, एट 6:30 PM इन अ लेटो टाइम हो गया, इन इन ओ ब्लॉक सेंट्रल पार्क, सेंट्रल पार्क के ओ ब्लॉक में ये मिला है.
दिस बैग कंटेन्स अ फ्यू डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ कैश हैं, सम कैश। द ओनर कैन प्लीज़ क्लेम द बैग एंड कलेक्ट इट फ्रॉम द अंडर साइंड आफ्टर सप्लाइंग अ फ्यू नेसेसरी डिटेल्स। ओके क्लियर। फॉर एग्ज़ाम्पल कलर, साइज, मटीरियल एंड कंटेंट्स एट्सेट्रा, कि किस किस तरह की क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और ना हम ये बताएंगे, उन्हीं से पूछना है। ओके देन फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, और ज़्यादा डिटेल्स ये तो कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। ओके एंड देन नेम अमित कुमार, कॉन्टैक्ट नंबर दिस वन। ओके यू कैन इवन क्रॉस द लास्ट टू और फोर डिजिट। ओके क्लियर स्टूडेंट्स, लेट अस डू द अनदर नोटिस। इन नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी हैव टू लर्न इज नोटिस फॉर टूर्स, कैंप्स एंड एग्जीबिशंस। ओके इन सच अ कैटेगरी वी हैव टू राइट नेम एंड नेचर, नेचर ऑफ द इवेंट, द काइंड ऑफ इवेंट, देन ओकेजन, ऑन व्हाट ओकेजन आर वी ऑर्गेनाइजिंग सच थिंग्स। ओके Thereafter, venue. Okay, if the notice is about tours and exhibition, tours and excursion, so either you have to write sightseeing, means कौन कौन सी sites पर आप घुमाएंगे, okay, location कहाँ उस पर लेके जाएंगे, okay, date, then objective, क्या motto उसके ले जाने का भाई, whether it is an educational tour or other, okay, or to give information or invite someone, invitation, or to appeal someone, okay, entry fee or charges or fare, ये clearly बताने, thereafter time or duration, है ना, कितने time और कितनी देर तक, कितने दिन तक का वो है tour, exhibition जो भी है, and contact address or detail, और one thing that is specific detail, or you can say request, okay, clear? If any, okay, this is to be mentioned. Let me read the statement first. You are Mayank Saini of Victoria Public School, Hyderabad. Your school has organized a science exhibition in connection with the death anniversary of Ramanujam. Write a notice in not more than 50 words to be published to be put up on the school notice board. Okay, furnish all the necessary details. Okay, clear. So first of all, we have to write the name of school. Okay, Victoria Public School, notice, date, and then science exhibition. That is our caption. This is to inform all the students of classes 9 to 12. And all the science teachers that the school is going to organize a science exhibition as per the details given below. Students, ये जो form ना है इसको बोलते हैं tabular form. तो इस tabular form में करना होता है, okay? Date 26 April, time 10 AM to 3 PM, okay? Venue seminar hall, okay? For more details contact the undersigned and then Mayank Saini, senior उसका designation senior activity coordinators. Okay, clear students, let me write one more notice for you. So the next notice that we will write is issued by any government body, means this category will be known as is known as public notice. Okay, and we will discuss them at length in the next video. Okay, still let us write. Okay, and these notices are quite important for 12th class. Okay, clear? Draft a notice on behalf of traffic police to inform the residents of Delhi about a diversion in traffic route due to Independence Day celebration at Red Fort. Okay, in such notices, the heading would be right like this. कि first of all लिखा जाएगा पब्लिक नोटिस, क्लियर, टाइटल ट्रैफिक डायवर्जन,
ओके क्लियर डेट। अब क्योंकि 15 अगस्त के उसमें है ओके, उसका सेलिब्रेशन चल रहा है तो उससे पहले दिया जाएगा ट्रैफिक ड्राइविंग उस दिन होगा, तो 13 अगस्त 2000 क्रॉस ओके। एंड देन इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट द रूट फ्रॉम ISBT इंटरस्टेट बस टर्मिनल टू रेड फोर्ट वाया कश्मीरी गेट विल रिमेन क्लोज ड्यू टू इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। ओके ऑन एज यू नो कब होता है भाई, अगस्त 15 2000 क्रॉस ओके। नो व्हीकल्स विल बी अलाउड ओके ऑन दिस रूट, ऑन दिस रूट कब से कब तक भाई, फ्रॉम 7 AM टू 2 PM ओके। ऑल द कम्यूटर्स, कम्यूटर्स जो डेली अप डाउन करते हैं घूमते हैं, कम्यूटर्स शुड यूज द आउटर रिंग रोड टू गो टू द ISBT जाने के लिए रिंग रोड का यूज़ करें। ओके क्लियर, इश्यूइंग अथॉरिटी विल बी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस। ओके ओके स्टूडेंट्स, एंड देन लेट अस कंप्लीट द बॉक्स। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फ्रॉम माई एंड इन दिस वीडियो, एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग ओके, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ओके।